हेलो एवरीवन वेलकम टू सरोज मिश्रा चैनल में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सरकारी स्कूल शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुई है इसमें फ्रेशर एप्लीकेशन कर सकते सीटेट या टेट नहीं मांगी गई है और एज लिमिट भी अच्छी है ट्वेंटी वन ईयर्स मिनिमम मैक्सिमम अपर एज लिमिट फिफ्टी सिक्स ईयर्स मतलब फिफ्टी सिक्स ईयर्स तक के एज ग्रुप के एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं जैसा आप थंबनेल पर देख सकेंगे सब्जेक्ट्स जिनमें वैकेंसीज आई हुई हैं वो भी काफी सारी हैं बाकी डिटेल्स के लिए आगे बढ़ते हैं एडवर्टीजमेंट से सारी डिटेल हम कवर करेंगे तो सबसे पहले पीजीटी के लिए पोस्ट है स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेते हैं सबसे पहले पीजीटी के लिए जो पोस्ट है है उनमें सब्जेक्ट है हिंदी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है फोर अभी सपोज किसी कैटेगरी में सीट नहीं है तो ये है यू आर यू आर मीन अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी या फिर ओपन कैटेगरी ऐसे केसेस में जहां पे रिजर्व कैटेगरी में सीट नहीं है कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन की जा सकेगी तो हिंदी में फोर पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए इंग्लिश में सिक्स संस्कृत में फोर हिस्ट्री में फाइव जियोग्राफी में फोर इकोनॉमिक्स में थ्री और मैथमेटिक्स में सेवन फिजिक्स में नाइन बायोलॉजी में फाइव केमिस्ट्री में सिक्स फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पीजीटी में नहीं है मैथिली में नहीं है मुंडारी में नहीं Commerce में three, total post है कॉमर्स में थ्री टोटल फिफ्टी सिक्स पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए इसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए भी वैकेंसीज हैं ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर के लिए जो वैकेंसीज है सेम वैसे ही अगर किसी कैटेगरी में सीट नहीं है तो अनरिजर्व कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन की जा सकती है हिंदी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी फाइव पोस्ट इंग्लिश में टेन उर्दू में वन फारसी जीरो मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स सेवनटीन टीजीटी के लिए बायोलॉजी स्लैश केमिस्ट्री एट ज्योग्राफी में टेन हिस्ट्री सिविक्स में फिफ्टीन संस्कृत में नाइन इकोनॉमिक्स में एट कॉमर्स में वन फिजिकल एजुकेशन में सिक्स होम साइंस में टू और म्यूजिक में वन टोटल नाइन्टी थ्री वैकेंसीज़ हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए तो पीजीटी और टीजीटी बस यही दो वैकेंसीज़ हैं नोटिफिकेशन कहां से रिलीज की गई है समग्र शिक्षा अभियान देवघर से देवघर कहाँ पर है झारखंड स्टेट में ही आएगा और इसमें मैंने कई बार वीडियोस भी बनाकर आपको बताया है कि झारखंड में खास करके झारखंड में भी स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस नाम से स्कूल सेटअप किए गए हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उत्कृष्ट विद्यालय है, हिंदी में अगर आप बुलाएंगे तो उत्कृष्ट विद्यालय ऑल ओवर झारखंड में सेटअप किए गए हैं जहां पे टू थाउजेंड वैकेंसी टीचर की फिल की जा रही है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है नोटिफिकेशन आ रही है तो हर डिस्ट्रिक्ट की नोटिस तो मेरे पास नहीं आ पा रही है जो भी मेरे तक पहुंच रही है वो मैं वीडियो के थ्रू आपको पहुंचा रही हूँ क्योंकि वैकेंसीज काफी ज्यादा हैं साथ ही साथ ये वैकेंसीज क्योंकि नई सेटअप है स्कूल तो अभी फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जा रहे हैं टीचर्स बाद और इनको रिन्यू किया जाएगा साल जैसे खत्म होगा एकेडमिक ईयर तो परफॉर्मेंस बेसिस पर फिर से रिन्यू कर दिया जाएगा जैसे कस्तूरबा गांधी में रिन्यू कर दिया जाता है बट फिलहाल जो है पर, परमानेंट वैकेंसीज नहीं आई है हो सकता है नियर फ्यूचर में इनको ये स्कूल अगर सक्सेसफुली रन होने लगे तो परमानेंट वैकेंसीज भी यहां से देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ अगर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस झारखंड स्टेट में सक्सेसफुली रन कर लिए जाए तो फिर हो सकता है दूसरे स्टेट में भी खोले जाएंगे क्योंकि ये स्कूल एवं साक्षरता विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं झारखंड सरकार तो जैसे मैंने आपको बताया फिलहाल झारखंड से आ रही है वैकेंसीज हो सकता है अगर सक्सेसफुली रन कर ले ये स्कूल्स तो आप बाकी स्टेट में भी आए हो सकता है परमानेंट वैकेंसीज भी आए बट फिलहाल अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करना चाहते हैं बट इसमें ऐसा नहीं है कि वन ईयर के बाद टर्मिनेट हो जाएगी जॉब ये ईयर आफ्टर ईयर आपको रिन्यू करते जाएंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या वैकेंसीज की जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो हम चेक करेंगे तो सबसे पहले फिफ्टी परसेंट या अबव मार्क्स के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए अगर आप एस टी एससी कैंडिडेट है तो फोर्टी फाइव परसेंट या अबव मार्क्स के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इसके बाद बी एड होनी चाहिए दैट्स ऑल ये दो चीजें मांगी गई है पीजीटी के लिए टीजीटी के लिए क्या मांगा गया है ग्रेजुएट होना चाहिए फोर्टी फाइव परसेंट या एबव मार्क्स के साथ में अगर आप ग्रेजुएशन है स्नातक की डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में एस सी एस टी कैंडिडेट है तो फोर्टी परसेंट या एबव मार्क्स के साथ में अगर आप ग्रेजुएट हैं साथ ही साथ अगर आपने बी एड किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं बस इतना ही मांगा जा रहा है इसके अलावा कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है शारीरिक शिक्षा वाले जो कैंडिडेट है ना उनके लिए बी की जरूरत नहीं होती जो फिजिकल एजुकेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए मिनिमम एज जो है ट्वेंटी वन ईयर्स है एंड मैक्सिमम फिफ्टी फाइव ईयर है एज अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को लेके एप्लीकेशन आप कर सकते हैं अगर आपको uh, रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है तो वो सभी स्टेट के लिए फिक्स रहता है अगर स्टेट से वैकेंसीज आती है तो रिजर्वेशन उनको ही मिलती है जिनके पास उस स्टेट का डोमिसाइल हो तो बाहर के स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते ऐसा तो नहीं लिखा है बट अगर आप रिजर्वेशन बेनिफिट चाहते हैं तो वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना होगा सैलरी की बात करें तो अभी फिलहाल सभी जितने भी गवर्नमेंट स्कूल सेटअप हो रहे हैं नए वो सभी फॉलो कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो आ, सैलरी uh, की स्ट्रक्चर है कॉन्ट्रैक्ट टीचर की तो इस हिसाब से ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज फिक्स सैलरी रहेगी ऑल सब्जेक्ट पीजीटी एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड टू फिफ्टी रुपीज पर मंथ फिक्स रहेगी तो फिलहाल अगर आ, आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करें सीटेड की तैयारी करें या कुछ और तैयारी करें साइड अर्निंग के लिए आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं चयन की प्रक्रिया में क्या लिखा है कि साक्षात्कार होगा और डेमो क्लास होगा मतलब कि जो आप सबमिट करेंगे उसमें एकेडमिक मेरिट के बेसिस पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और उनकी इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी साथ ही साथ आपको डेमो क्लास जो है रेडी रखना है इसके बाद इसमें एप्लीकेशन के लिए क्या चीजें हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्मेट नीचे दी हुई है सेवन पेजेस की एडवर्टीजमेंट है जिसमें फिफ्थ पेज सिक्स पेज एंड सेवन पेज पर एप्लीकेशन फॉर्मेट दी हुई है डाउनलोड कर ले फिल कर ले इसे हाथ से लिखे या फिर टाइप कर सकते हैं जैसा भी एक हंड्रेड रुपीज की डिमांड ड्राफ्ट बनानी है या फिर बैंकर्स चेक बनाना है एज फीस अगर एस टी कैंडिडेट हैं तो फिफ्टी रुपीज का अगर आप जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यू एस ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है तो हंड्रेड रुपीज की डिमांड ड्राफ्ट बनानी है जिला देवघर पदनाम पेबर लेट देवघर स्वीकार किए जाएंगे और एग्जाम परीक्षा भी हो सकती है ऐसा लग रहा है परीक्षा में बैठने की अनुमति इस तरीके की बात की जा रही है एप्लीकेशन आवेदन करने की प्रक्रिया तो नीचे फॉर्मेट दी हुई एप्लीकेशन फॉर्मेट वो आपको डाउनलोड कर लेना है और इसके बाद में आवेदन संबंधित जिले के ये इस एड्रेस पर आपको भेजना है कैसे भेजना है रजिस्टर्ड पोस्ट आपने सुना होगा रजिस्टर्ड पोस्ट जो गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस होती है वहां पे जाके बोले रजिस्टर्ड पोस्ट करना है इसमें आप जो डिमांड ड्राफ्ट है वो भी अटैच करेंगे उसकी एक फोटो अपने पास रख लें अपने प्रूफ के लिए अगर आप नॉर्मल डाक से भेजेंगे तो वो नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे और बाकी और क्या क्या, -क्या चीजें अटैच करने को बोला गया ये सारी चीजें अटैच कर लें जैसे कि फोटो वगैरह अगर अटैच करने को बताया गया है तो वो सारी चीजें आप अटैच कर लें जिस एनवेलप में आप एप्लीकेशन करेंगे उसमें विज्ञापन संज्ञा एडवर्टीजमेंट नंबर आपको लिखना है और कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं कौन से पोस्ट के लिए जैसे टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए तो टीजीटी मैथमेटिक्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथमेटिक्स टी एडवर्टीजमेंट नंबर ये सब बड़ा बड़ा लिखना है तो ये सब चीजें क्या क्या अटैच करना है देखें चलिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं और इसमें लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन पहुंचने की एप्लीकेशन पहुंचने की जो लास्ट डेट है वो है रजिस्टर्ड पोस्ट से ध्यान रखना है रजिस्टर्ड पोस्ट से पेज नंबर फोर पे पढ़ लें इलेवन मार्च तक पहुंच जाने चाहिए एप्लीकेशन रजिस्टर्ड पोस्ट से पढ़ लें क्या क्या चीजें अटैच करनी है एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड झारखंड सरकार देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट से और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप नीचे की तरफ चले आएंगे तो यहीं पर आपको कहीं पर मिल जाएगी एडवर्टीजमेंट इसमें नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं अगर नोटिफिकेशन में नहीं मिल रही है तो दूसरी जगह देख लेते हैं हम एडवर्टीजमेंट की डिटेल्स देखने के लिए नोटिस पे क्लिक करके रिक्रूटमेंट पे एक बार यहां पर आप क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट पे क्लिक करते ही आ, कई सारे रिक्रूटमेंट है इसमें तो इसमें जिस रिक्रूटमेंट में मैंशन है हाँ ये वाली इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर सेकेंड या थर्ड नोटिस है इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड टीचर इन डिस्ट्रिक्ट लेवल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तो जहां पर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आदर्श विद्यालय योजना लिखा है और लास्ट डेट इलेवन मार्च लिखी है उसी के जस्ट नीचे पीडीएफ दी हुई है वही पीडीएफ आपको देखना है इसी में एप्लीकेशन फॉर्मेट भी अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट एट देवघर डॉट एनआईसी डॉट इन अगर ये वेबसाइट लिंक आप सर्च करें तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले आपको लिंक अवेलेबल मिल जाएगी आप सभी को बेस्ट क्वेश्चन थैंक यू वेरी मच